युवराज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, हाउ टू एक्सपोर्ट टू हांगकांग। हांगकांग को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊँगा। इससे पहले का वीडियो में हम बता चुके हैं आपको हांगकांग में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे, हांगकांग में कैसे आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, उसके ऊपर वीडियोस बना चुके हैं। और उस वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल्स में हांगकांग के बारे में बता चुका था। और आज का ये वीडियो है हाउ टू एक्सपोर्ट टू हांगकांग, हांगकांग को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपको बताऊँगा। इससे पहले हांगकांग के बारे में थोड़ा बताऊँगा। हांगकांग एक छोटा सा आइलैंड कंट्री, छोटा सा आइलैंड टेरिटरी है, साउथ ईस्टर्न चाइना का, चाइना में लोकेटेड है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में लोकेटेड है हांगकांग। हांगकांग के बारे में आपने सुना होगा, आज से 30 साल पहले हांगकांग, सिंगापुर एंड बैंकॉक, थाईलैंड का बैंकॉक सबसे बड़े सिटी थे, बड़े कंट्री थे, सिटी थे जो वर्ल्ड वाइड को एक्सपोर्ट, रीएक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग करते थे। 1997 को ये पहले हांगकांग जो ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड काउंटर में था, 1 जुलाई 1997 को ग्रेट ब्रिटेन ने चाइना को हैंडओवर कर दिया हांगकांग, विदाउट एनी वॉर, विदाउट एनी प्रॉब्लम, पीसफुली हैंडओवर कर दिया 1 जुलाई 1997 को। तब से 1997 से अब तक हांगकांग चाइना, मेनलैंड चाइना का अंडर में है। और पहले हांगकांग का राजधानी का नाम था विक्टोरिया, अभी विक्टोरिया उनका सिटी है, राजधानी नहीं है। और ये हांगकांग डायरेक्ट गवर्न होता है चाइना के द्वारा, ठीक है। हांगकांग का जो लोक संख्या यानी वहाँ का पॉपुलेशन है 74,80,000 का पॉपुलेशन है। और इस देश का जो लैंग्वेज है दो भाषा में बात करते हैं, इंग्लिश एंड चाइनीज़, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन का अंडर में था इसलिए यहाँ का लोग अच्छे इंग्लिश में बात करते हैं और चाइनीज में भी बात करते हैं। और यहाँ का जो करेंसी का नाम है हांगकांग डॉलर, 1 हांगकांग डॉलर आज के तारीख में कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में आपको 9.68 रुपया मिलेगा आज के तारीख में। हांगकांग डॉलर बता दिया 9.68 पैसा आपको मिलेगा 1 हांगकांग डॉलर अगर आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो हांगकांग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले आपको बता दिया कि हांगकांग एक अच्छे स्ट्रैटेजिकली लोकेशन में लोकेटेड है, जैसा सिंगापुर लोकेटेड है, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना में लोकेटेड है। और हांगकांग के पास 9 बड़े बड़े कंटेनर टर्मिनल्स है, बड़े बड़े पोर्ट है। सो चाइना का 40% जो एक्सपोर्ट होता है, चाइना का चाइनीज गुड्स हांगकांग का जो पोर्ट्स होते हुए वर्ल्ड वाइड को एक्सपोर्ट होता है, इसीलिए हांगकांग चाइना के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस है, टेरिटरी है, क्योंकि चाइना का एक ओवरसीज टेरिटरी हांगकांग। और उनका हांगकांग के पास 9 बड़े बड़े कंटेनर टर्मिनल है, बड़े बड़े पोर्ट है। तो चाइना का 90% एक्सपोर्ट हांगकांग के होके पास होता है। और हांगकांग जो है वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट हब है, जहाँ से एक्सपोर्ट होता है। चाइना नंबर 1 है और हांगकांग नंबर 10 है, ठीक है। और भारत के लिए हांगकांग काफ़ी अहम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत 2019-20 में 11.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया टू हांगकांग। ये बड़ा एक्सपोर्ट है, बड़ा इन अचीवमेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड भारत से हांगकांग को एक्सपोर्ट होता है। और हांगकांग भी दुबई जैसा ही है, इंपोर्ट करता है और रीएक्सपोर्ट भी करता है, ठीक है। हांगकांग छोटा सा टेरिटरी है, हांगकांग एंड सिंगापुर छोटे छोटे आइलैंड कंट्री, आइलैंड टेरिटरी है, जो वर्ल्ड वाइड इंपोर्ट करते हैं और उसी प्रोडक्ट को रीएक्सपोर्ट करते हैं और अच्छे पैसा उनको मिलता है। तो वैसे ही भारत से ज़्यादा ज्वेलरी, डायमंड एंड ज्वेलरी, डायमंड एंड गोल्ड, ये तीन प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है टू हांगकांग और वहाँ से रीएक्सपोर्ट हो जाता है। और बहुत सारे मशीनरीज भी एक्सपोर्ट होता है, मशीनरीज इक्विपमेंट्स फ्रॉम इंडिया टू हांगकांग, ठीक है। और हांगकांग जो है 90% फूड इम्पोर्ट करता है, 90% फूड इम्पोर्ट करता है, क्योंकि छोटा सा एरिया है। और सॉरी 90% फूड उनका इम्पोर्ट होता है चाइना से, और 100% फूड प्रोडक्ट इम्पोर्ट होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 90% इम्पोर्ट करता है चाइना से, और बाकी इम्पोर्ट करता है ताइवान से करता है, फिलीपीन से करता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा हांगकांग का जो सी पोर्ट्स के बारे में और एयरपोर्ट्स के बारे में। हांगकांग का एक ही 9 कंटेनर टर्मिनल है, 9 यानी 9 सी पोर्ट्स है और एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। तो कितने सारे उनके पास सी पोर्ट है, कितने सारे एयरपोर्ट आपको बता दिया और लिस्ट करके आपको बता रहा हूँ।
कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है, और हांगकॉन्ग क्या एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, पूरा लिस्ट करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर में लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए। जैसा बता दिया, हांगकॉन्ग के पास 9 पोर्ट है, 9 सी पोर्ट्स है और 1 एयरपोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और हांगकॉन्ग का इंटरनेशनल उनका जो कंट्री का नेशनल एयरवेज है, कैथे पैसिफिक एयरवेज, और कैथे पैसिफिक एयरवेज का जो एयर कार्गो है, कैथे पैसिफिक का कार्गो वर्ल्ड टॉप 10 में आता है, जिससे कि एमिरेट्स एयर कार्गो है। कैथे पैसिफिक का एयर कार्गो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंट्री को कनेक्टेड है, और उनका जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट है उनका हांगकॉन्ग का जो एयरपोर्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ हांगकॉन्ग का कितने सारे एयरपोर्ट है, कितने सारे सी पोर्ट्स है, और हांगकॉन्ग क्या एक्सपोर्ट करता है, कौन इम्पोर्ट करता है। आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में या नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। सो आपको मैंने लिस्ट करके बता दिया हांगकॉन्ग के पास कितने सारे एयरपोर्ट्स हैं, कितने सारे सी पोर्ट्स हैं, और हांगकॉन्ग क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। हांगकॉन्ग का मेन एक्सपोर्ट पार्टनर्स है चाइना, मेनलैंड चाइना एंड यूएसए। ज़्यादा से ज़्यादा हांगकॉन्ग एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, यूएस को एंड मेनलैंड चाइना को। और उनका दूसरा ट्रेडिंग डेस्टिनेशन है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, मलेशिया, सिंगापुर, इंडिया, दुबई एंड ऑल अफ्रीकन कंट्रीज एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। बहुत सारे कंट्री को हांगकॉन्ग एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि हांगकॉन्ग का जो एक्सपोर्ट चाइना से होते हुए, हांगकॉन्ग का पोर्ट से होते हुए वर्ल्ड वाइड को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक्सपोर्ट होता है। इसीलिए हांगकॉन्ग का जो सी पोर्ट है वर्ल्ड का टॉप 10 का बिजिएस्ट सी पोर्ट इन द वर्ल्ड, और उनका एयरपोर्ट भी बिजिएस्ट है, दुबई जैसा बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। उनका जो कार्गो टर्मिनल है, एयरपोर्ट का कार्गो टर्मिनल है, वर्ल्ड का टॉप 10 में आता है बिजिएस्ट कार्गो टर्मिनल इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है टू हांगकॉन्ग। इंडिया, जैसे आपको बता दिया, बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया हांगकॉन्ग को एक्सपोर्ट करता है। तो टॉप प्रोडक्ट है ज्वेलरी, डायमंड एंड गोल्ड, ठीक है। ज्वेलरी, बना हुआ ज्वेलरी, डिजाइन ज्वेलरी को इंडिया का जो एक्सपोर्टर्स हांगकॉन्ग को एक्सपोर्ट करता है, हांगकॉन्ग जो है वहाँ से रीएक्सपोर्ट करता है और वहाँ का लोकल मार्केट में भी सेल होता है, ठीक है, ज्वेलरी। और डायमंड, रॉ डायमंड एंड गोल्ड इंडिया से इंपोर्ट भी होता है टू हांगकॉन्ग, ठीक है। और बाकी सारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स, बहुत सारे मशीनरीज वगैरह, और रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स यानी आयरन और जितने सारे मिनरल्स वगैरह इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, हांगकॉन्ग होते हुए मेनलैंड चाइना को जाता है। मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ एक्सपोर्ट, हाउ टू एक्सपोर्ट टू चाइना। इंडिया से बहुत सारे प्रोडक्ट चाइना को एक्सपोर्ट होता है। मैं चाइना के ऊपर एक्सपोर्ट का वीडियो बना चुका हूँ, भारत से क्या क्या प्रोडक्ट चाइना को एक्सपोर्ट होता है। ज़्यादा करके जो रॉ मटेरियल्स, मिनरल्स वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स इंपोर्ट करता है चाइना इंडिया से, लाइक आयरन ओर है, अल्मोनियम एंड बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट होता है टू चाइना। तो ऐसे ही बहुत सारे वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है हांगकॉन्ग में, हांगकॉन्ग का फैक्ट्रीज इंडिया से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स वगैरह इंपोर्ट करता है, और चाइना को भी, हांगकॉन्ग चाइना को भी एक्सपोर्ट करता है फ्रॉम इंडिया टू हांगकॉन्ग, हांगकॉन्ग टू चाइना, ठीक है। तो 2019-20 में 11.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था इंडिया किया था टू हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग एक बड़ा डेस्टिनेशन है, टॉप नंबर 10 में आता है, नंबर टॉप 10 में आता है डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया
एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि हांगकांग एक बड़ा मार्केट है और इंडियन एक्सपोर्टर्स को ध्यान देना चाहिए क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो टू हांगकांग। तो पूरा लिस्ट करके बता रहा हूँ आपको, द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू हांगकांग, पूरा लिस्ट करके आपको बता रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में एंड आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए। सो मैंने आपको काफ़ी सारे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखा दिया क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होता है टू हांगकांग, पूरा लिस्ट करके बता दिया। काफ़ी सालों से हांगकांग के साथ डील हो रहा है इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड हांगकांग का इंपोर्टर्स के साथ, बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया टू हांगकांग एक्सपोर्ट हो रहा है। बहुत सारे प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट 90% फूड प्रोडक्ट इंडिया हांगकांग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता है चाइना से, बाकी 10% वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करता है। तो चाइना हांगकांग को ज़्यादा करके, हमारा भारत से आपको बता दिया, गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरीज एंड इक्विपमेंट, मशीनरीज, रॉ मटेरियल्स वगैरह एक्सपोर्ट होता है। और हांगकांग जो इंपोर्ट करते हैं आपको बता दिया, लाइफ एनिमल्स, मीट वगैरह इंपोर्ट करता है। तो अगर आप भारत से हो तो आप क्लोदिंग यानी गारमेंट्स और स्टील आयरन एंड फूड प्रोडक्ट्स एंड मीट वगैरह और सी फूड, ये प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते टू हांगकांग। तो पूरा लिस्ट करके आपको मैं बता दिया हांगकांग को क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है। आप एनी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते टू हांगकांग, ठीक है, क्योंकि हांगकांग एक ऐसा जगह है जहाँ पर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट हर साल आते हैं। अप्रोक्सीमेटली हांगकांग को एक साल में 3 से 4 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, लाइक 30-40 लाख लोग अराइवल होता है एक एक साल में। तो ये टूरिस्ट जो आते हैं वो शॉपिंग करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट हांगकांग का रिटेलर्स इंपोर्ट करके सेल करते हैं, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट आप ए टू जेड, कोई भी प्रोडक्ट आप हांगकांग को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे दुबई को एक्सपोर्ट करते हो, हांगकांग खुद कंज्यूम करता है यानी खुद उसको रिटेल में सेल करता है, और मेनलैंड चाइना भी इंपोर्ट करता है और वर्ल्ड वाइड को हांगकांग री एक्सपोर्ट कर लेता है। तो एनी प्रोडक्ट यू कैन एक्सपोर्ट टू हांगकांग। और जो प्रोडक्ट आपको बता दिया, लिस्ट करके बता दिया, ये प्रोडक्ट को आप सोर्स कर एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू हांगकांग, ठीक है। तो अभी आपको बताऊंगा हांगकांग को, हांगकांग से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। उससे पहले बताऊंगा, हांगकांग को एक्सपोर्ट करने से पहले आपको बताऊंगा प्रोडक्ट कहां से सोर्स करोगे। हमेशा आपको बताते रहता हूं, हमारा भारत के पास करीब 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स है, 20 B2B ट्रेड पोर्टल्स है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख लीजिए ऑन स्क्रीन। तो ये है टॉप 20 इंडिया का ट्रेड पोर्टल्स, एनी वेबसाइट को आप वन बाई वन सर्च करिए। तो इन्हीं वेबसाइट को आप वन बाय वन सर्च करिए, लिस्ट कर लीजिए आपका कंप्यूटर लैपटॉप में, एंड आपको जितने सर वेबसाइट दिखा दिया ये वेबसाइट में आप रजिस्टर करके एज ए एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, ट्रेडर और बायर, जो भी है आप, जो भी कंपनी है, आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आप सोर्स करना चालू कर दीजिए, भारत का कौन से पोर्ट, कौन से स्टेट से, कौन से सिटी से आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, इन्हीं वेबसाइट को आप ढूंढिए। ढूंढने के बाद आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट इंडिया से सोर्स कर आप हांगकांग को या एनी कंट्री इन द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो हमेशा हर वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ इंडिया का टॉप 20 वेबसाइट जहाँ से आपको सोर्स कर सकते हो, आप प्रोडक्ट सोर्स करके दुनिया भर को एक्सपोर्ट कर सकते हो और हांगकांग को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन आप पूछोगे हांगकांग से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वीडियो में आपको मैं बताता रहता हूँ। पहला है, हांगकांग में इंडियन एम्बेसी नहीं है, हांगकांग में इंडियन कॉन्सुलेट जनरल है। इंडियन कॉन्सुलेट जनरल है, गूगल में सर्च करिए इंडियन कॉन्सुलेट जनरल इन हांगकांग, उनको कॉन्टैक्ट करिए। अगर हांगकांग का ईमेल डायरेक्टरी, कंपनी डायरेक्टरी, डाटाबेस उनके पास रहेगा तो उनको रिक्वेस्ट करिए, इंडियन कॉन्सुलेट जनरल इन हांगकांग, उनको रिक्वेस्ट करिए कि आप एक एक्सपोर्टर हो और हांगकांग को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, उनको आपको डाटाबेस चाहिए, हांगकांग का कंपनी डाटाबेस चाहिए। अगर इंडियन कॉन्सुलेट जनरल आपको डाटाबेस भेज देते हैं तो फिर आप ईमेल के द्वारा कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन हांगकांग, ठीक है। ये फर्स्ट है। सेकेंड है, हांगकांग के पास बहुत सारे उनके पास डिजिटल सॉरी
येलो पेजेस है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, और उनके पास ऑनलाइन डायरेक्टरीज है, उनके पास जो न्यूज़पेपर वगैरह है। तो मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ टॉप वेबसाइट्स ऑफ हांगकांग, जो टॉप बी टू बी ट्रेड पोर्टल्स ऑफ हांगकांग, टॉप बी टू बी येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज, इंग्लिश एंड चाइनीज न्यूज़पेपर्स, टीवी रेडियो ऑफ हांगकांग, पूरा में इम्पोर्टेंट जितने सारे वेबसाइट्स है हांगकांग का, इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ हांगकांग, मैं आपको लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में एंड आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये वेबसाइट्स आपको मदद करेगा हांगकांग से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए। मैं आपको लिस्ट करके बता दिया हांगकांग के पास जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट आपको दिखा दिया। तो इम्पोर्टेंट वेबसाइट में आपको दिखा दिया मैंने इम्पोर्टेंट बी टू बी ट्रेड पोर्टल्स ऑफ हांगकांग, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज एंड क्लासिफाइड वेबसाइट्स ऑफ हांगकांग, न्यूज़ पेपर्स ऑफ हांगकांग इंग्लिश एंड चाइनीज में, एंड टी वी एंड रेडियो स्टेशन ऑफ हांगकांग, उनका वेबसाइट वगैरह दिखा दिया, और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स ऑफ हांगकांग। तो पूरा इम्पोर्टेंट पेजेस इम्पोर्टेंट वेबसाइट दिखा दिया। तो आप क्या करिए, पहले जितने सारे क्लासिफाइड वेबसाइट्स बी टू बी ट्रेड पोर्टल्स येलो पेजेस ऑफ हांगकांग, वो वेबसाइट को आप आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए, और उसमें वन बाय वन वेबसाइट को खोलिए आपका कंप्यूटर में, उसमें आप रजिस्टर कर लीजिए आपका कंपनी को। आप अगर मैन्युफैक्चरर हो, आप एक्सपोर्टर हो, इम्पोर्टर हो, ट्रेडर हो, आप आपका कंपनी को रजिस्टर कर लीजिए जितने सारे हांगकांग का वेबसाइट दिखा दिया। अगर वेबसाइट है, क्लासिफाइड वेबसाइट है या बिजनेस डायरेक्टरीज है, बता दिया, उसमें रजिस्टर कर लीजिए। करने के बाद आपका कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, प्रोडक्ट सर्विसेज, फोटोज, प्राइसेस वगैरह ऐड कर लीजिए, ताकि हांगकांग का कंपनीज, हांगकांग का लोग जब सर्च करेंगे इन वेबसाइट से, तो उनको आपका कंपनी दिखाई देगा, और अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में आपको मैं समझाते रहता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट तरीका, सेकेंड तरीका हो गया, ये वेबसाइट में आप रजिस्टर होने के बाद आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए। रजिस्टर होने के बाद आपका प्रोडक्ट के हिसाब से आप कंपनीज ढूंढिए, मैन्युफैक्चरर ढूंढिए, कंपनीज ढूंढिए, और ढूंढने के बाद आप उन कंपनी को ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, मोबाइल के जरिए आप उनको कॉन्टैक्ट करिए कि आप इंडिया से हो, एक्सपोर्टर हो, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो आप उन कंपनी को कॉन्टैक्ट करके ट्राई करिए, उसमें आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। और बहुत सारे इंग्लिश एंड चाइनीज न्यूज़पेपर्स दिखा दिया, इन न्यूज़पेपर में आप उनको लिखिए, अगर आपके पास बजट है ईयरली, वन ईयर, टू ईयर, थ्री ईयर से लंबा टाइम के लिए, उनका होम पेज में इंग्लिश चाइनीज में आप बैनर एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए कि आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो आपका एडवर्टाइजमेंट उनका न्यूज़पेपर में दिखाई देगा, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स में। तो वहाँ का लोग, वहाँ का की पर्सन ऑफ एनी कंपनी, वहाँ का कंपनीज, वहाँ का लोग, वहाँ का पब्लिक जब इन्हीं न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनको आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपका वेबसाइट में जाएंगे, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जानेंगे, अगर उनके इम्पोर्ट करना है तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही बहुत सारे दिखा दिया आपको, टीवी टेलीविज़न ने टीवी स्टेशन ऑफ हांगकांग, हांगकांग का टेलीविज़न वेबसाइट, हांगकांग का रेडियो स्टेशन वेबसाइट, अगर आपके पास बड़ा बजट है तो वहाँ का टीवी में, वहाँ का रेडियो में, चाइनीज़ में, इंग्लिश में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट करने के द्वारा
अनाउंसमेंट करने के द्वारा आपका कंपनी वहाँ अनाउंसमेंट होगी वहाँ का रेडियो में, टीवी में, फिर वहाँ का पब्लिक को मालूम पड़ेगा आपका कंपनी का एक्टिविटीज़ क्या है। आप एक एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो, ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिजनेस के लिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको हमेशा हर वीडियो में आपको रेडियो स्टेशन, टीवी, न्यूज़पेपर्स का दिखाते रहता हूँ। तो हांगकांग का दिखा दिया, न्यूज़पेपर्स, टीवी एंड रेडियो, एंड हांगकांग का इंपॉर्टेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपको दिखा दिया। सोशल नेटवर्किंग साइट में रजिस्टर करके आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, ताकि वहाँ का लोगों के साथ आप मिल सके, वहाँ का लोगों के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सके। इसलिए इम्पोर्टेंट है हांगकांग का सोशल नेटवर्किंग साइट को मैंने ऐड कर लिया। तो इम्पोर्टेंट वेबसाइट दिखा दिया ऑफ हांगकांग, इम्पोर्टेंट वेबसाइट के द्वारा आप वहाँ का कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ का लोगों को मिल सकते हैं, फिर कॉन्टैक्ट के द्वारा, नेटवर्किंग के द्वारा आप वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपको मिल सकता है। उसके बाद आता है आपका डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपके पास बजट है, महीने का 30-40 हज़ार का बजट है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग करिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग। तो बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स होता है, 25-30 के अबव सोशल मीडिया वेबसाइट से यूट्यूब मार्केटिंग है, और ये यूट्यूब मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग के द्वारा आप वहाँ एडवर्टाइजमेंट करिए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कॉन्टैक्ट करिए, भारत में कोई भी सिटी में, आपका सिटी में डिजिटल मार्केटिंग आपका कंपनी का वेबसाइट को, आपका कंपनी को, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को हांगकांग में टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट करेगा। फिर वहाँ का लोगों को आपका कंपनी के बारे में, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में मालूम पड़ेगा, फिर वहाँ का लोग, वहाँ का कंपनीज आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मार्केटिंग होगी थ्रू गूगल सर्च, गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल सर्च एंड ऑल द नेटवर्किंग वेबसाइट, ऑल द सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट एंड ऑल लाइक यूट्यूब मार्केटिंग, ठीक है। तो अगर आप इस टाइप का मार्केटिंग करना है, यूट्यूब मार्केटिंग करना है आपको, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, या डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी टूल्स करना है, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आपको मदद करेगा, हांगकांग के साथ साथ कोई भी कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर डिजिटल मार्केटिंग आप करना चाहते हो, ठीक है। और आपका वेबसाइट को, आपका वेबसाइट को आप बड़ा बनाइए, फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसा बनाइए। बनाने के बाद उसमें अनलिमिटेड प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, प्राइसेस ऐड कर लीजिए, और पेमेंट गेटवे रखिए, और ऑटो ट्रांसलेशन रखिए, ताकि हांगकांग का लोग आपका इंग्लिश वेबसाइट को चाइनीज में चेंज करके, चाइनीज में ट्रांसलेट करके आपका वेबसाइट को पढ़ सके। तो बड़े वेबसाइट को बनाइए, और बड़े वेबसाइट को बनाने के लिए आप कोई भी वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कंपनी आपको मदद करेगा वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए आपको मदद करेंगे। तो हमारा कंपनी जो है ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन वर्ल्ड वाइड आपके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, और एक्सपोर्ट के लिए आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड वाइड, और कैसे आपका कंपनी फॉर्मेशन करेंगे वर्ल्ड वाइड, उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके लिए बना रहे हैं। तो अगर आपको हांगकांग एक्सपोर्ट करना है, तो हांगकांग में आपको, हांगकांग में बहुत सारे एग्जीबिशन होता है, एक्सपो होता है, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, ये जो एरिया है, तो हांगकांग में बहुत सारे एक्सपो होता है, ज्वेलरी का एक्सपो होता है, फूड का होता है, और आपका जो गारमेंट्स का होता है, बहुत सारे एक्सपो होता है इन हांगकांग। तो अगर आपके पास बजट है, तो हांगकांग में जाइए, हांगकांग में जाकर वहाँ का एक्सपो में भाग लीजिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज लेके, तो हांगकांग से आपको ज़रूर बड़े ऑर्डर मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि हांगकांग हब है, हांगकांग जो है ईस्ट एशिया का हब है, सिंगापुर जैसा, हांगकांग, बीजिंग, शंघाई, सिंगापुर एंड कुआलालंपुर, ये जो एरिया है, बैंकॉक है, ये एरिया है, हब है, एक्सपोर्ट के लिए हब है। तो आप इस एरिया में जाकर वहाँ का एक्सपो में भाग लीजिए, हांगकांग का जो उनका जो सेंटर है, सिटी सेंटर है, वहाँ पर होता है, हर महीना में पूरा बिजी रहता है वहाँ का जो स्केड्यूल, और वहाँ का एक्सपो में भाग लीजिए प्रोडक्ट सर्विसेज लेकर, और एक्सपोर्ट में भाग लोगे तो आपको ज़रूर मिलेगा एक्सपोर्ट का ऑर्डर। अगर हांगकांग के साथ साथ वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में आपको एक्सपो में भाग लेना है, एक्सपो में आपको बुकिंग करना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारा कंपनी आपको मदद करेगा। हांगकांग के साथ साथ दुनिया में कोई भी कंट्री में आपको एक्सपो में जाकर, एक्सपो में भाग लेना है, एक्सपो बुकिंग करना है, हम आपको मदद करेंगे। तो डिटेल्स आपको बता दिया, हांगकांग को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, और हांगकांग से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, पूरी डिटेल्स में आपको बता दिया। तो अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए, और अगर आपको हमारा सर्विसेज चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मैं डिटेल्स आपको बता दिया हांगकांग के बारे में। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो, तो आप स्टार्ट कर दीजिए हांगकांग एक्सपोर्ट करने के लिए, खुद को तैयार कर लीजिए। प्रोडक्ट सर्विसेज कहाँ से मिलेगा, मैं आपको बता दिया, इंडिया का टॉप 20
वेबसाइट से, B2B ट्रेड पोर्टल से भारत का, तो वहाँ से आपको प्रोडक्ट सोर्स मिल जाएगी। और एक्सपोर्ट ऑर्डर कैसे मिलेगा आपको बता दिया, हांगकांग का जो एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे मिलेगा आपको बता दिया। अगर ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको ज़्यादा आपके पास पैसा है तो आपको हांगकांग में खुद का ट्रेडिंग कंपनी, खुद का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनी, खुद का मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको इजीली वहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। तो हांगकांग में अगर कंपनी बनाना है, कैसे कंपनी बनाओगे और कैसे आपका कंपनी बनाकर एक्टिविटी स्टार्ट करोगे और कितना पैसा खर्चा होगा, उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। हाउ टू फॉर्म योर कंपनी इन हांगकांग पहले वीडियो बना चुके हैं, आप मेरे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर हांगकांग में कंपनी बनाना है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कंपनी आपको मदद करेगा हांगकांग में कंपनी फॉर्मेशन के लिए और कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो डिटेल्स में आपको बता दिया हांगकांग के बारे में। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपके लिए मैं अनलिमिटेड वीडियोस, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।